हाय, इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉल्स क्या होते हैं, यानी कैनाल फॉल्स वगैरह क्या होते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती बनाने की, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल्स। ओके, मैंने इरिगेशन सब्जेक्ट पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई है उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप एक बार चेक कर ले अगर आपको देखनी है वीडियोस तो। ओके, तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा कि फॉल्स या फिर कैनाल फॉल की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, व्हेनेवर द अवेलेबल नेचुरल स्लोप और द ग्राउंड स्लोप इज स्टीप देन द डिजाइन बेड स्लोप ऑफ द कैनाल, द डिफरेंस इज एडजस्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल फॉल और ड्रॉप। ठीक है, फॉल बोलो या ड्रॉप बोलो, बात बराबरी है। इन द कैनाल बेड एट सुटेबल इंटरवल्स सच अ मेसनरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनाल फॉल और कैनाल ड्रॉप। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो अपना नेचुरल स्लोप है और जो अपना डिजाइन स्लोप है, ठीक है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल होते हैं जो भी उस साइट के अकॉर्डिंग सूटेबल होता है, ठीक है ना, साइट के अकॉर्डिंग या फिर इकोनॉमिकल के अकॉर्डिंग जो सूटेबल होता है वो बनाते हैं, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग कैनाल फॉल बोलते हैं। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको और समझाऊँ तो क्या है, जब भी हम लोग कैनाल डिज़ाइन करते हैं तो एक परमिसेबल स्लोप पे डिज़ाइन करते हैं कैनाल को, कि हाँ इस स्लोप पे पूरी कैनाल रन करेगी। ओके, और उस परमिसेबल स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर कैनाल उस स्लोप पे रन करेगी तो ना तो उसमें सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। ओके, लेकिन हमारा क्या, हमारा अर्थ सरफेस इवन है क्या? नहीं, हमारा अर्थ सरफेस इवन नहीं, हमारा अर्थ सरफेस अनइवन है, ठीक है ना। तो जहाँ पे अनइवन है, यानी ये सपोज इधर से हमारी कोई परमिसेबल स्लोप आ रही है और इधर से ग्राउंड ग्राउंड का स्लोप ऐसा है, ठीक है ना, तो उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इधर फॉल बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग इधर फॉल बना देते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैनाल फॉल के बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है ना, कि नेसेसिटी ऑफ कैनाल फॉल। व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड चेंजेस सडनली देन इट रिक्वायर्स एक्सेसिव अर्थ फिलिंग टू मेंटेन द स्लोप टू अवॉइड द फिलिंग फॉल्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जैसे कोई भी हमारा नेचुरल स्लोप और ग्राउंड स्लोप है, ठीक है ना, नेचुरल स्लोप या फिर ग्राउंड स्लोप है, और हमारा डिजाइन बेड है यानी डिजाइन बेड स्लोप है, ठीक है ना, उसको हम लोग एडजस्ट करना है, ठीक है। तो या तो फिलिंग कर दो, तो इधर ऐसे फिलिंग वगैरह कर दी, अर्थवर्क वगैरह कर दिया, फिलिंग कर दी, लेकिन हमारा क्या फिलिंग वगैरह क्या बहुत अन इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग उधर फॉल्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है ना, फॉल्स वगैरह बना देते हैं ताकि इकोनॉमिकल रहे वो। ओके, हम लोग की तरह से वो फिलिंग से अर्थवर्क जो यानी फिलिंग से हम लोग अवॉइड कर देते हैं इकोनॉमिकल को देखते हुए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, इन सीडी वर्क्स, सीडी यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इन क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स द डिफरेंस बिटवीन द बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड द ड्रेनेज इज स्मॉल, और When the FSL of the canal is above the bed level of the drainage, the canal fall is necessary to carry the canal water below the stream or the drainage. Okay, इसको मैं समझाता हूँ एक तरह से डायग्राम बना के। जैसे कोई भी हमारा ड्रेनेज हो रहा है इधर से, ओके, तो इधर से हमारी कैनाल आ रही है, ठीक है, तो कैनाल का FSL क्या है, इधर FSL ये है यानी फुल सप्लाई लेवल, ओके, और ड्रेनेज का HFL ये है, ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग इधर फॉल प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि ये डिफरेंस मेंटेन रहे। ओके, तो इसलिए हम लोग कैनाल फॉल्स वगैरह मेनली बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल्स बता दे रहा, ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला है ओजी फॉल, सेकंड रैपिड फॉल, थर्ड स्टेप्ड फॉल, फोर्थ स्ट्रेट गैलेसिस फॉल, फिफ्थ ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, सिक्स्थ मोंटेक टाइप फॉल, सेवन्थ इंग्लिस और बेफले फॉल, और एट्थ है वर्टिकल ड्रॉप फॉल बोल लो या फिर सारदा टाइप फॉल बोल लो। ओके, तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ओजी फॉल, ठीक है। एक बार आप गूगल करके देख लो ओजी का मतलब क्या होता है। ओजी का मतलब ये होता है डिफरेंट एस शेप स्ट्रक्चर, यानी एस शेप स्ट्रक्चर होता है
अपना ओजी फॉल होता है, मतलब ओजी का मतलब होता है, सॉरी। ओके, तो एक बार मैं आपको डायग्राम समझा दे रहा, फिर ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा डिफरेंस है, ठीक है ना, ये स्टीप स्लोप है, हमारा डिफरेंस है जो अपना कैनाल आ रही है और ग्राउंड स्लोप में। ओके, तो इधर से पानी आएगा, ठीक है, पानी आएगा तो इधर आएगा, तो इधर इसकी क्या है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर फॉल प्रोवाइड करा देंगे, और फॉल इस शेप में होगा, यानी ये कॉनकेव और कॉनवेक्स के शेप में होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली फॉल्स क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम लोग एनर्जी डेसिपेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है ना, ताकि उसको डेसिपेट कर सकें हम लोग, कम कर सकें मेनली, ठीक है। उस एनर्जी को डेसिपेट करने का मतलब ही क्या होता है, कि अगर हम लोग एनर्जी डेसिपेट नहीं करेंगे तो पानी आएगा इधर, इधर आएगा, इधर गिरेगा डायरेक्ट, तो इधर से सिल्टिंग वगैरह होगी और स्कोरिंग वगैरह होगी। इसकी वजह से हम लोग फॉल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो। ओके, तो और ओजी फॉल के बारे में आपको, ओजी फॉल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये हमारा अनइकोनॉमिकल है, ठीक है, और ये पहले के टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये पहला पॉइंट है, इट हैज़ ग्रेजुअल कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओजी फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ओजी का मतलब क्या होता है, एस शेप, एस शेप, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअल कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में फॉर्म में होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म विच डेसिपेट द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वही मैंने आपको बताया था कि इधर हम लोग क्या है, इधर बनाती किस लिए फॉल, ताकि हम लोग ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्म हो रही, जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ रही है ना, उसको हम लोग डेसिपेट कर सकें। ओके, सेकेंड आता है हमारा रैपिड फॉल। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस टाइप का जो फॉल होता है वो हमारा रैपिड फॉल होता है, ठीक है। हम लोग रैपिड फॉल कहाँ बनाते हैं, हम लोग रैपिड फॉल बनाते हैं जहाँ पे ग्राउंड जो होता है वो इवन होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो, जैसे कोई हमारा ग्राउंड सरफेस है और आगे आके ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कैनाल का पानी इधर से आ रहा है, तो ऐसे ही पानी इधर आके पहुँचेगा, तो इसके पास वेलोसिटी काफ़ी हो जाएगी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी काफ़ी होगी इसके पास, ठीक है। तो पानी फिर इधर आएगा ना, तो उसके कारण स्कॉरिंग होगी इधर, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी जो स्कॉरिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर रैपिड फॉल बनाएंगे इस टाइप के ग्राउंड पे। वो कैसे बनाएंगे, इधर हम लोग तरह से ब्लॉक्स बना देते हैं ये, उसके बाद ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे पानी इधर से आएगा, फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा तो इधर आते आते क्या है, इसकी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रैपिड फॉल। तो रैपिड फॉल एक्चुअली क्या है, अनइकोनॉमिकल होता है, वही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, द रैपिड फॉल इज़ नॉट इकोनॉमिकल। ओके, उसके बाद थर्ड, स्टेप्ड फॉल। स्टेप्ड फॉल एक्चुअली क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रैपिड फॉल ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स, इसमें स्टेप्स होती हैं सिंपल। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट मेनली सुटेबल वेयर द डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज हाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई हमारा अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी इधर से ऐसे आएगा, इधर आएगा, तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी इधर, जैसे इधर पानी इधर से इधर आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इधर क्या है, सिल्टिंग, सॉरी सिल्टिंग नहीं, इधर स्कॉरिंग वगैरह होगी इधर, ठीक है। तो उसको ही रोकने के लिए हम लोग क्या इधर स्टेप्स बना देते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो जिसके कारण क्या, पानी इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा, तो इससे क्या है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। इधर से क्या, इधर स्कॉरिंग नहीं होगी, ठीक है, इधर स्कॉरिंग हो रही थी, इधर स्कॉरिंग नहीं हो रही। ओके, तो ये तो था हमारा स्टेप्ड फॉल, और ये क्या इकोनॉमिकल नहीं होता, वही मैंने इधर लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉल इज़ कॉस्टली, यानी ये अनइकोनॉमिकल है। ओके, इसके बाद फोर्थ है, स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस टाइप का हमारा जो फॉल होता है वो स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल होता है, ठीक है ना। एक बार मैं इधर डायग्राम इसका ड्रॉ कर लूँ, ऐसे ये हमारी अपर स्ट्रीम साइड है,
ये हमारी डाउनस्ट्रीम साइड है, ठीक है। तो इधर से क्या पानी आया कैनाल में से, तो ये हमारी होती है क्रीस्ट वॉल, ठीक है। तो इस क्रीस्ट वॉल के कारण एक्चुअली क्या है, ये पानी की वेलोसिटी उधर कम हो जाएगी, ठीक है। तो पानी फिर इधर से ऐसे जाएगा, ये होता है हमारा सिस्टर्न। तो फिर पानी इधर से ऐसे आएगा, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेस, ठीक है ना। तो हमारा क्या पानी इधर से ऐसे आया, तो इस क्रीस्ट वॉल के कारण क्या है, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो पानी फिर इसके इधर से ऐसे जाएगा, तो और इस सिस्टर्न की वजह से, ठीक है ना, इस सिस्टर्न की वजह से क्या है, पानी की जो काइनेट पानी पानी में जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ठीक है ना, इस वेलोसिटी के कारण जो पानी में काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, उसको ये सिस्टर्न एक तरह से डेसिपेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने इधर बताया, पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट ग्लेशियस प्रोवाइडेड विद अ क्रीस्ट वॉल, वही मैंने आपको बताया, एक तरह से स्ट्रेट ग्लेशियस होता है इसमें स्ट्रीस्ट जिसमें क्रीस्ट वॉल होती है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, वाटर क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वही वाटर क्वेश्चन यानी अपना सिस्टम होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग जो एनर्जी है वो उसको डिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, ओके। इसके बाद है फिफ्थ ट्रेपेज़ॉइडल नॉच फॉल, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस टाइप का जो हमारा फॉल होता है वो ट्रेपेज़ॉइडल नॉच फॉल होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या है, नॉच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, इन दिस टाइप फॉल सेवरल ट्रेपेज़ॉइडल नॉचेस आर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द साइड पियर और इंटरमीडिएट पियर, ठीक है ना। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये नॉचेस वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। इसमें आपको एक बनाकर बताऊं डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग क्या, ये नॉचेस वगैरह होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो कैनाल का जो पानी है वो इधर से आता है, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस सेल ऑफ द नॉचेस आर कैप एट अपस्ट्रीम बेड, ठीक है। इन पॉइंट को हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है, एन इम्परवियस फ्लोर इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द स्कोरिंग इफेक्ट ऑफ फॉलिंग वाटर, यानी इधर से जो पानी गिरेगा ना, तो इधर क्या इम्परवियस फ्लोर बना देते हैं हम लोग, ताकि पानी गिरे तो इधर क्या सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों ना हो, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, दी साइज एंड दी नंबर ऑफ नॉचेस डिपेंड अपॉन दी फुल सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ दी कैनाल, यानी कैनाल से कितना डिस्चार्ज करना है या फिर कितनी सप्लाई वगैरह, यानी सप्लाई एंड डिस्चार्ज ऑफ कैनाल पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी नंबर ऑफ नॉचेस प्रोवाइड करानी है और नॉचेस की साइज वगैरह क्या होगी, ओके। तो ये तो था हमारा फिफ्थ टाइप ट्रेपेज़ॉइडल नॉच फॉल, ओके। उसके बाद है सिक्स्थ टाइप मॉन्टेक टाइप फॉल, ठीक है। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस टाइप की जो फॉल होता है वो मॉन्टेक टाइप फॉल होता है, ओके। इसका पॉइंट क्या बोलता है, इन स्ट्रेट ग्लेशियस टाइप प्रोफाइल, यानी जो कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन इज नॉट कम्प्लीट, therefore Montek developed this type of profile where energy dissipation takes place where profile is parabolic, ठीक है। तो जैसा कि आपको अभी डायग्राम में बताया था मैंने, इस टाइप का फॉल हमारा Montek टाइप फॉल होता है, मैं एक बार बना और दे रहा हूं मैं, ये जो होगी हमारी पैराबोलिक होगी, ठीक है ना, पैराबोलिक फॉर्म में एक तरह से, ओके। ये हमारी क्या है, कर्टेन वॉल है, ओके। तो मॉन्टिक टाइप फॉल में क्या है, मॉन्टिक टाइप फॉल में क्या है, बस एक ये पैराबोलिक शेप में आ जाता है। स्ट्रेट ग्लेशियस में क्या था कि ये स्ट्रेट थी, ठीक है। मॉन्टिक टाइप में क्या है, पैराबोलिक फॉर्म में, तो क्या पानी इधर से आएगा, पहले तो क्रीस्ट वॉल से इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, जैसे फिर इधर से जाएगा
उधर से आते फिर इधर ऐसे हो जाएगा पानी, ठीक है। तो इससे क्या एनर्जी इसकी डेसिपेट होगी, ठीक है ना। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा मॉन्टिक टाइप फॉल, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताया पैराबोलिक शेप के कारण एनर्जी डेसिपेट होती है इसमें, ओके। उसके बाद सेवेंथ इंग्लिश और बेफेल फॉल, ठीक है। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप का फॉल होता है हमारा इंग्लिश और बेफेल फॉल, ओके। तो एक बार मैं आपको इमेज बना रहा था, डायग्राम बना और दे रहा। ये होती है हमारी बेफेल फॉल, ठीक है। तो एक बार पॉइंट पढ़ दे रहा मैं कि इसमें क्या लिखा है। द ग्लेशियस इज स्ट्रेट एंड द स्लोपिंग बट बेफल वॉल प्रोवाइड ऑन द डाउन स्ट्रीम फ्लोर विच डेसिपेट द एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जैसे पानी इधर से आया ना, तो ये सेम एक तरह से सेम है, अगर इसको छुपा दे तो ये सेम ही है स्ट्रेट ग्लेशियस की तरह, इस तरह इस वाले की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग बेफल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जैसे पानी इधर से आया ना तो ये क्या एनर्जी डेसिपेट कर देता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा, ये तो गया हमारा इंग्लिश और बेफल फॉल, ठीक है। उसके बाद एट्थ क्या है हमारा, वर्टिकल ड्रॉप फॉल और सारदा टाइप फॉल, ठीक है। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप का फॉल होता है हमारा सारदा टाइप फॉल, ठीक है। एक्चुअली इसको आपको बताऊं तो सारदा टाइप फॉल को सारदा फॉल नाम कैसे मिला, यूपी में एक कैनाल है शारदा कैनाल जिस पे ये फॉल है ना ये ट्राई किया गया था, ठीक है ना। तो फिर उधर देखा गया कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए उधर से इसको नाम मिला शारदा टाइप फॉल, ओके। इसका आपको पहला पॉइंट पढ़ दे रहा है, इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट कंसिस्ट सिंगल वर्टिकल ड्रॉप विच अलाउ द अपस्ट्रीम वाटर टू फॉल विथ सडन इम्पैक्ट ऑन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल है ना वर्टिकल ड्रॉप होता है, जैसे हमारा पानी इधर से आया, ठीक है। तो पहले तो क्रिस्ट वॉल के कारण क्या है इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो पानी क्या फिर इधर से इधर डायरेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है कि अप स्ट्रीम से पानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा विथ सडन इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये पानी ऐसे आया, उसके बाद क्या होता है कि इसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट यही बोलता है, द डाउन स्ट्रीम एक्ट लाइक कुशन फॉर दी अपस्ट्रीम वाटर एंड डेसिपेट दी एक्स्ट्रा एनर्जी। यानी जो हमारे इधर सिस्टम है ना, जो हमारे जो एक्स्ट्रा पानी है यानी एक्स्ट्रा एनर्जी सॉरी जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना उसको ये डेसिपेट कर देता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सिंपल सा सारदा टाइप फॉल, ठीक है। तो ये मैंने कवर किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आए हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।